तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो यार आपका स्वागत है हमारे ड्रैगन शूटर यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप M500 गन से बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोटेशन ड्रैग करके हेडशॉट मार पाओगे। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ जरूर से बने रहो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर हमारा जो टिप बन के आता है वो है मेक डिस्टेंस विद एनिमी। जी हाँ दोस्तों, आपको M500 से अगर हेडशॉट मारना है रोटेशन ड्रैग करके तो एनिमी से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बना लेना है, क्योंकि एनिमी से आप लॉन्ग रेंज पे और मिड रेंज पे ही हेडशॉट मार पाओगे अगर दूर खड़े रहोगे तो, और शॉर्ट रेंज पे आप इस गन से हेडशॉट नहीं मार पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस बना लेना है। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड नंबर टिप की तरफ, तो वो है एमिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर M500 गन से मिड रेंज पे हेडशॉट मारना है तो आपका जो क्रॉस एयर होता है, जो एम होता है, वो आप कहीं भी रख सकते हो, एनिमी के बॉडी के बाहर, एनिमी के बॉडी के नीचे या फिर एनिमी के बॉडी के ऊपर। सिर्फ आपको फायर बटन के ऊपर ध्यान देना है, अच्छे से फायर बटन को बेहतरीन तरीके से बहुत ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा, तभी जो है एनिमी को हेडशॉट लगेगा। और अगर आप एनिमी को लॉन्ग रेंज पे हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपको अपना जो क्रॉस एयर होता है, अपना जो एम होता है, वो एनिमी के बॉडी के ऊपर रखना पड़ेगा रेट करके, तभी जो है आप अपना फायर बटन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा ड्रैग करोगे। बहुत ही कम ड्रैग करना पड़ेगा आपको, रोटेट करना पड़ेगा फायर बटन को, तभी जो है एनिमी को हेडशॉट लगेगा बहुत ही तगड़ा वाला। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर टिप की तरफ, तो वो हमारा जो बन के आता है वो है पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पर पोजीशन मैटर करता है। आप जब एनिमी को शूट कर रहे हो, एकदम एनिमी को फायर करते वक्त आपका पोजीशन एकदम स्टेबल, एक जगह खड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर आप जो है जॉयस्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल भी कर सकते हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो जॉयस्टिक को, वो है नीचे की तरफ, यानी कि आप सिर्फ पीछे की तरफ जा सकते हो जॉयस्टिक को यूज़ करके। और यहाँ पर एनिमी का पोजीशन का भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आप जॉयस्टिक का इस्तेमाल करोगे तो एनिमी का पोजीशन अगर इन तीनों में से एक होगा, अगर एनिमी यहाँ पर एक जगह खड़ा रहेगा या फिर आपके तरफ आएगा दौड़ के, और या फिर आपसे दूर भाग जाएगा, तभी जो है जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके आप फायर बटन को रोटेट करोगे तो उसको हेडशॉट लगेगा। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से एक लाइक करना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को सेट कर लो यार, क्योंकि हमें ऐसे ही ड्रैग हेडशॉट के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहते हैं। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो यार बाय।